देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। संसद में कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री ने जमकर धो डाला और बता दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी क्या हैसियत होने वाली है, क्या कांग्रेस पार्टी की क्या असलियत है। एक एक सवालों का जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सारे सोशल मीडिया पर छाया रहा। मोदी अनस्टॉपेबल टॉप ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा और लोग उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको हम ये ट्विटर पे दिखाते हैं किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस मुक्त भारत इज़ नॉट माई स्लोगन, बट ये सारे जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा वो सारी बातें लोग उस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और किस तरीके से कांग्रेस को धो डाला, कांग्रेस की चूलें हिला दी, कांग्रेस की जड़ें हिला दी, ये बात आपको आज के स्पीच में मिली। और जिस तरीके से राहुल गांधी आज अल्पसंख्यक मोर्चा के जो उनका अल्पसंख्यक का एक कांग्रेस का विंग है उसमें भाषण देने गए थे, किस तरीके से वो बौखला गए थे ईडी की कार्रवाई के बाद, किस तरीके से बोल रहे थे कि डरपोक है, 10 मिनट मेरे से बहस करके दिखाओ, वही डरपोक कौन साबित हुआ, ये बात सबने देखी। जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुन रहा था, वही जो डिबेट के लिए बात करता है, जो डरपोक कहता है, खुद डरपोक बन गया है। आपको बता दें राहुल गांधी डरपोक साबित हो गए हैं। ये इसलिए नहीं कि ये तथ्यों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी संसद से भाग खड़े हुए जब संसद में उनकी माँ बैठी थी, लेकिन माँ के होते हुए भी वो डर गए। खड़गे भी वहाँ थे, खड़गे को भी बहुत धोया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके चेहरे के भाव उतर गए। देखिए खड़गे को कैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ढंग से धोया, बहुत ही जम के हंसे लोग। और इस तरीके से हमारे खड़गे साहब बड़े बेआबरू होके निकले। आज सुबह बसवना के कुछ वचन खड़गे साहब पढ़ रहे थे, बसवना के वचन पढ़ रहे थे खड़गे साहब। लेकिन खड़गे साहब आप तो कर्नाटक के हैं, इतने साल के बाद क्यों पढ़ा? ये अगर 25-30 साल पहले पढ़ा होता तो जो बुरे रास्ते पर आप लोग चले गए नहीं जाते, गलत काम पर चले गए नहीं जाते। और प्रधानमंत्री ने 55 साल वर्सेस 15 महीने की ये लड़ाई पे बताया, क्या कहा है आपको हम ये भी बताते हैं। 55 साल देखिए मेरे 55 महीने का दायरा, 55 साल में, 55 साल मेरे 55 देखिए स्वच्छता का दायरा, 55 साल में 2014 तक। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने किस तरीके से 55 साल और 15 महीने का तथ्य रखा और तमाम जो बातें थी बताया कि किस तरीके से राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, राहुल गांधी बौखला गए हैं और राहुल गांधी नहीं चाहते कि वायुसेना हमारी ताकतवर हो, और वो किस कंपनी की मदद कर रहे हैं ये राहुल गांधी से सवाल पूछा है। जो चौकीदार चोर हैं बोलने वाले राहुल गांधी आज संसद भवन में कहीं नहीं दिखाई दिए, और बाहर आकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहावत कही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो सदा से चली आ रही कहावत है, तो वही बात राहुल गांधी करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारी यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा हमला किया है महागठबंधन पर, जो मिलावटी गठबंधन बता दिया है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ममता सरकार, जो ममता ने वहां पर पश्चिम बंगाल में रैली की, उस पर क्या कटाक्ष किया, उस पर भी बताते हैं। जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है, और निर्धारित महामिलावट, महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो, केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामिलावटी जो गठबंधन बना है, किस तरीके से लालू यादव भ्रष्टाचारी जेल में हैं लेकिन उनके बेटे आरजेडी को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव, मायावती, चाहे दक्षिण से आप ले लो, तमाम पार्टियां, डीएमके हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, टीडीपी हो या कर्नाटक की पार्टी हो, तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जिनको परिवारी पार्टियां हैं, किस तरीके से एकत्रित होकर उनको मिलावटी गठबंधन बता दिया है, मिलावटी सरकारें बनाने वाले मिलावटी यहां नहीं पहुंच पाएंगे, और किस तरीके से उन्होंने विजय माल्या पर भी कटाक्ष किया। विजय माल्या का हाल ही में कुछ दिन पहले ट्वीट आया था कि मेरी संपत्ति इतनी हो गई थी और लेकिन मेरी 13,000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। अब ये बात सुनिए कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्वीटर कर रहे हैं और बोले मैं सुबह उठता हूँ तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में संपत्ति है वो भी जब्त हो गई। ये कानून हमने बनाया। लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। तो इस तरीके से ये विजय माल्या पर भी ट्वीट किया, बात की उन्होंने लोकसभा में, किस तरीके से ये चीजें बात हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में सबसे भयानक कटाक्ष किया हमारे खड़गे जी पर। खड़गे जी तो बड़े ही बेआबरू हो गए उस पर, लेकिन डरपोक आज साबित हो गए राहुल गांधी, क्योंकि वो राहुल गांधी संसद में कहीं दिखाई नहीं दिए, आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए, उनकी मम्मी ही और खड़गे भी भाषण सुन रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को डरपोक साबित कर दिया और राहुल गांधी भाग खड़े हुए संसद भवन से, संसद भवन में जिनको बहस सुननी थी लेकिन वो भाग गए वहाँ से और उनका पत्ता साफ हो गया। तो राहुल गांधी का ये डरपोक सिद्ध हो गए, आज के डरपोक नंबर वन बने राहुल गांधी। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी, और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूँ कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी का पूरा गिरोह नहीं था संसद भवन में, तो लगता है कि क्या वो मम्मी की सलाह दी होगी, मम्मी ने उनको सलाह दी होगी, बेटा मोदी डराते बहुत हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि डरना पड़ेगा और मैं डराऊंगा और देशवासियों ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है डराने के लिए। तो राहुल गांधी डर गए हैं, डर के मैदान छोड़ के, संसद भवन छोड़ के भाग गए हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि ट्विटर पर तो टॉप ट्रेंड कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से राहुल गांधी कांप रहे हैं, उनका पूरा परिवार
रॉबर्ट वाड्रा की शकल ही बता रही थी कैसे डरे हुए हैं, तो अब भ्रष्टाचारी डर रहे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से डरे हुए हैं। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी डरा रहे हैं, तो मोदी डराने के लिए ही लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। तो ये बात रही संसद भवन में से, जो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी, उससे साबित हो गया कि राहुल गांधी आज डरपोक नंबर वन बन चुके हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन नहीं सकते हैं।